जैसा कि बता रहे थे कि वहां पर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, टीमों को वहां के लिए रवाना कर दिया गया है और इसी के साथ चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन सभी ने देखिए सबसे पहले ट्वीट किया और काफी चिंता जाहिर की गई है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी। उसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत भी की गई, वहां पर टीमों को और भेजा जा रहा है और तस्वीरें देखिए डराने वाले किस तरीके से यहां पर तेज वेग यहां पर बहाव के साथ बहता ये मलबा भी हमें नजर आ रहा है। अब वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तराखंड में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं हम, भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है, राष्ट्र सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है, अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं, सभी प्रकार से मदद देके पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है जो उत्तराखंड में भयंकर त्रासदी चमोली में देखी गई है और जिसके साथ जो ग्लेशियर फटा है, जो वहां की तस्वीरें सामने आई उस पर आज हर कोई इस वक्त चिंतित है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर तुरंत रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जाएगा। आपको मेरे पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं